महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए 15 दिनों तक कड़ी पाबंदियां लगाई जा चुकी है। इस बीच चर्चा है कि अगर इसके बावजूद भी कोरोना मामलों में कमी नहीं आई तो महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकती है। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बताया कि हमारे मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों ने कहा कि अगर फिलहाल की पाबंदी का लोग ठीक तरह से पालन नहीं करते हैं तो ना चाहते हुए भी पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का वक्त आ सकता है। गौरतलब है कि गत 13 अप्रैल को सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ किया था कि मिनी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद रहेंगे। ई कॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को इसमें छूट दी गई है। रेस्टोरेंट आदि खुले रहेंगे लेकिन वहां बैठकर खाने पर रोक होगी। सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी विधायकों को सालाना 4 करोड़ रुपए विधायक निधि के मिलते हैं। हमने फैसला लिया है कि कोरोना मरीजों से जुड़ी सुविधाओं के लिए हर विधायक निधि से 1-1 करोड़ लिए जाएंगे। पवार ने कहा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि 25-30% कोरोना के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा 40% डॉक्टरों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत होती है। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स उनके रिश्तेदारों को कहते हैं कि कुछ भी कीजिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आइए। मैं डॉक्टर से विनती करना चाहूंगा कि हर एक मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की कोशिश ना करे, जिसको सच में जरूरत है उसी को ये इंजेक्शन दे। रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है वह सब हम कर रहे हैं। बैठक के बाद संवाददाताओं से अजीत पवार ने कहा कि जब तक शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उसे पैर के नाखून जितना भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह सरकार स्थिर है। सरकार की स्थिरता को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले महाअखाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस और शिवसेना के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई।